नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। शोभा यात्रा पर हुए पथराव पर उन्होंने कहा है कि ये जिहादी पत्थर है और मैं इसे पत्थर जिहाद का नाम दूंगा। वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्षी पार्टियां तिलमिला गई हैं और पूरे देश में जहर घोलने का काम कर रही हैं। शोभा यात्रा में चलने वाले लोगों पर पत्थर फेंकने के लिए पहले से ही तैयार रखा जाता था। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या वो ज्योतिषी हैं जो उन्हें पता है कि यहाँ पर नारेबाजी होगी। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष ने देश भर में जहर घोलने का काम किया है। साथ ही कहा है कि मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास विपक्ष को पच नहीं रहा है, इसीलिए देश भर में जहर घोला जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने। नहीं, एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से जिहाद के रूप में सारे देश में रामनवमी पर पत्थर फेंके गए, तो मैं मान सकता हूँ यह पत्थर जिहाद है। और योजनाबद्ध तरीके से जुलूस निकलना है, पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, पहले से पेट्रोल पंप बनाए गए हैं, पहले सारी की सारी व्यवस्था की गई है। तो जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि मोदी जी का महामंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इसके आधार पर झुग्गी झोपड़ी के इंसान से लेके क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सम्यक सौहार्द का वातावरण सारे देश में प्रकट हुआ और जिसका परिणाम था 5 प्रदेशों के चुनाव में 4 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आई। विपक्ष को लगा कि ये तो सब खेल ही खराब हो गया, सब चले गए भाजपा के साथ मोदी के साथ में, तो उनके पास अंग्रेजों वाली नीति रह गई, फूट डालो और राज्य करो। तो रामनवमी के अवसर पर चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे राजस्थान के गहलोत हों, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ वाले हों, या हमारे भी प्रदेशों में योजनाबद्ध तरीके से विपक्षियों ने जानबूझ करके जहर घोलने का काम किया। अब ये जांच का विषय है, तब तक सरकारें जाँच करेंगी, वहाँ सही जांच नहीं होगी तो केंद्र की सरकार कमेटी बना के जांच करेगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। तो लोग तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब लोग इस पर बहस नहीं कर रहे पत्थर क्यों फेंके गए, पर पत्थर फेंकने के बाद बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, इससे लोगों को दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। मान लीजिए जुलूस किसी मुस्लिम मोहल्ले से निकल रहा है तो उनने सब पत्थर पहले से इकट्ठे करके लगे, तो उनको कोई ज्योतिषी थे, उन्हें पता था कोई नारा लगने वाला है और नारा लगा के नहीं लगा, उसका प्रमाण होना चाहिए। पर जिस तरह से पत्थर सारे देश में रामनवमी के जुलूस पर फेंका गया है, ये बहुत दुर्भाग्य का है और मैं समझता हूँ मोदी जी के होते इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने ऐसा किया है वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो आपने सुना भाजपा के सांसद साक्षी महाराज को, जिन्होंने दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है और सीधा सीधा वार विपक्ष पर किया है। वहीं मोदी की सराहना भी की है कि पीएम मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।